सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतम् तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्द्रितात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो राजा जनक महर्षि वशिष्ठ और वामदेव आदि ऋषियों के साथ मिथिला नगरी में पहुंच चुके हैं और उनका वहां आदर सत्कार स्वागत आदि करने के पश्चात अब एक दिन इन्होंने तय किया है कि कल हम यज्ञ शुरू करेंगे। तो उस यज्ञ के लिए यज्ञ का एक रक्षक होना चाहिए कोई, तो उसके लिए महाराजा जनक अपने पुरोहित शतानंद जी को कहते हैं कि जो मेरे भाई हैं कुशध्वज, जो बहुत ही सुंदर नगरी में रहते हैं और इक्षुमती नदी का जल पीते हैं, स्वर्ग जैसी उनकी नगरी है, पुष्पक विमान जैसी उनकी नगरी है, ऐसे मेरे भाई को यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ लाया जाए, मैं उनको यहाँ देखना चाहता हूँ। यज्ञ का रक्षक जितना ज़्यादा सतर्क होगा उतना ही यज्ञ सफल होगा। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए किसको बुला करके ले गए थे? श्री राम लक्ष्मण को। यज्ञ का रक्षक जितना ज़्यादा सजग होगा तो ही यज्ञ सफल होगा। यज्ञ का रक्षक यदि थोड़ी देर के लिए भी पलक झपकते हैं, इतनी देर के लिए भी यदि प्रमाद से युक्त हो गया तो इतनी ही देर में यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो एक होता है यज्ञ का याजिक, एक होता है यज्ञ का गोप्ता रक्षक। तो जो मनुष्य का जीवन ही यज्ञ बताया है उसमें आत्मा याजिक है, वो यज्ञ कर रहा है, और इसका गोप्ता है मन। जिस आदमी का मन जितना अधिक सजग जागरूक अलर्ट होता चला जाएगा उस व्यक्ति का जीवन यज्ञ उतना ही सफल होगा, और जिसका मन असजग है, प्रमाद से युक्त है, आलस्य से युक्त है, उतना उस व्यक्ति का जीवन यज्ञ शुरू ही नहीं होता, अग्नि जलती ही नहीं है पूरा समय। मतलब हीरे जैसा जन्म जो है वो कोड़ियों के भाव समाप्त होता जा रहा है। कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले व्यक्ति, कितने भी ज़्यादा उसको शब्द ज्ञान हो, लेकिन यदि उसके जीवन में सजगता नहीं है, वो अलर्ट नहीं है, तो वो सब ऐसा ही है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति कमा करके कुएं में डाल दी हो। तो कुएं में यदि डाल दी तो फ़ायदा क्या हुआ कमाने का। और यदि व्यक्ति सजग है तो उसकी एक एक छोटी छोटी क्रिया भी उसकी संपत्ति बन जाती है, साधना बन जाती है फिर। इसलिए हमारे सब महापुरुषों ने जिन्होंने उस दिव्यता को प्राप्त किया, हमारे जैसे ही मनुष्य थे वो, उन्होंने अपना संबंध शरीरों के साथ, इंद्रियों के साथ, नष्ट होने वाली चीजों के साथ नहीं जोड़ा। उनका जो मन रूपी यंत्र था वो इतना सजग था कि उसको पता था ये नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, ये नष्ट होने वाले संबंध हैं,
और ये आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, और मुझे इसके साथ आगे भी यात्रा करनी है। तो उन सब ने इस सजगता के कारण ही अपना संबंध किसके साथ स्थापित किया? दिव्य शक्तियों के साथ स्थापित किया, दैवी शक्तियों के साथ। तो इन योगियों को जो अनुभूतियां होती हैं, किसी देवता का आह्वान करते हैं, वो देवता के उनकी सहायता कर देते हैं साधना आदि में। जिसका जिसके साथ संपर्क होता है तो सुख दुख में वही तो काम आता है। जो जिसका संगी साथी है वो दूसरे के काम नहीं आता, बल्कि उसका जिसके साथ संबंध है उसी के काम आता है। तो जिनके साथ हमने संबंध बनाए, जिनको हमने अपना मान लिया, वो हमारी रक्षा करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते। तो हमारा संबंध ये जो हार्ड मास की पुतलियां हैं इनके साथ भी हो सकता है, जो त्रिगुण से या पंचभूतों से बनी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ भी हो सकता है हमारा संबंध। और हमारा संबंध मनुष्य से ऊपर जो दैवी शक्तियां हैं उनके साथ भी हो सकता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा के साथ, उस पर ब्रह्म के साथ भी हो सकता है। ये योग्यता केवल मनुष्य को मिली है, पर हमारा संबंध किसके साथ होगा ये हम स्वयं तय करते हैं, और वो मन और बुद्धि के माध्यम से तय करते हैं कि हमें किसके साथ संबंध जोड़ना है। तो जो व्यक्ति अलर्ट होगा वो तो दैवी शक्तियों के साथ संबंध जोड़ेगा, दिव्यताओं के साथ। तो फिर बाकी की जो छोटी मोटी शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां, पैर खींचने वाली शक्तियां, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी शक्तियां वो यदि बीच में आ भी जाती हैं तो वो व्यक्ति उनको नेग्लेक्ट कर देता है, सुना अनसुना कर देता है, देखा अनदेखा कर देता है। वो फिर ज्यादा वहां उलझता नहीं है, क्योंकि वो उलझ गया यदि तो उसका यात्रा इतनी देर में तो पता नहीं वो कितना आगे जा चुका होता, और उलझ गया तो पता नहीं कितना पीछे चला जाएगा, अब तक की हुई यात्रा भी व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए वो सामान्य शक्तियों को या निम्न शक्तियों को तो नेग्लेक्ट करके रखते हैं, और जो दिव्य शक्तियां हैं, उच्च शक्तियां हैं, और दिव्य और उच्च शक्तियों में भी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक दृष्ट हैं एक अदृष्ट हैं। तो वो व्यक्ति उन सब के साथ अपना संबंध जोड़ के रखता है। आप कहेंगे जी जो दृष्ट उच्च शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, तो उनसे तो हमारा परिचय नहीं है, या परिचय है तो हम तो उनको जानते हैं, वे हमें जानते भी नहीं है, तो हम उनके साथ संबंध स्थापित कैसे करें? मन के द्वारा कर सकते हैं। मन के द्वारा बैठा हुआ देश में कोई भी व्यक्ति श्रद्धे स्वामी जी महाराज के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तो जो CRPF वाली जो सिक्योरिटी है वो उनको अंदर नहीं जाने देंगे, तो भौतिक रूप से तो संबंध स्थापित करना सरल नहीं है, लेकिन मन से संबंध स्थापित करना कोई कठिनाई नहीं है। मन के स्तर पर आप भगवान के साथ भी अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, देवी देवताओं के साथ भी कर सकते हैं, ऋषि मुनियों के साथ भी कर सकते हैं। रामायण पढ़ रहे हैं तो महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि आदि। गीता पढ़ रहे हैं तो योगेश्वर, कृष्ण। दर्शन पढ़ रहे हैं तो महर्षि पतंजलि। व्याकरण पढ़ रहे हैं तो महर्षि पाणिनि। इनके साथ हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, और फिर वो हमारी सहायता करते हैं। जैसे लोक में हमारे मित्र हमारी सहायता करते हैं, ऐसे ही वो शक्तियां भी हमारी सहायता करती हैं जिनका हम आह्वान करते हैं। लेकिन ये सामान्य रूप से समझ में आने वाली बात है नहीं। व्यक्ति समझता भी तो उतना ही है ना, जिस स्तर के ऊपर वो जीता है। तो इसलिए सब महापुरुषों ने हमें क्या बताया, सब ने ये बताया, जागो, उत्तिष्ठत जागृत। तो जागने का मतलब हम कोई बिस्तर में थोड़ी सोए हैं, हम तो अपने काम धाम कर रहे हैं। जागने का मतलब उन्होंने यही बताया कि आप मन से सजग रहें, अलर्ट रहें, आलस्य या प्रमाद से युक्त ना हो।
आलस्य से भी ज्यादा खतरनाक है प्रमाद। प्रमाद हमें जागने नहीं देता है, और प्रमाद दो प्रकार का है, एक सक्रिय एक निष्क्रिय। ये मैंने कई बार बताया है आपको। सक्रिय प्रमाद कौन सा है? जैसे अभी रामायण पढ़नी चाहिए, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, और इस समय कोई दूसरा चिंतन चल रहा है, विचार में कुछ और बात चल रही है, तो इसको कहेंगे सक्रिय प्रमाद। मन काम तो कर रहा है पर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उससे अलग कर रहा है, ये सक्रिय प्रमाद है। और निष्क्रिय प्रमाद वो होता है कि ना रामायण पढ़ रहा ना कुछ और कर रहा, सो रहा है बैठा बैठा, तो वो निष्क्रिय प्रमाद है। तो प्रमाद ज्यादा खतरनाक है आलस्य से भी ज्यादा, आलस्य भी बुरा ही है। तो यहां इन्होंने यज्ञ का गोप्ता अपने भाई कुशध्वज को बुलाया कि मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति बिल्कुल जागरूक है, वो इस यज्ञ की रक्षा करेगा। यदि यज्ञ की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं तो यज्ञ रचाना बेकार। इतनी मुश्किल से किसी यज्ञ का प्रारंभ होता है, स्थूल रूप से भी जो बड़े यज्ञ करते हैं तो उसमें कितनी सामग्री, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने लोगों को जुटाया जाता है, कितनी उसकी तैयारियां करनी होती हैं, और इतना सब करने के बाद नई यज्ञशाला, नया यज्ञ, नए यजमान, सब कुछ नया, नए पुरोहित, और उनके वस्त्र नए, उनकी सब सामग्रियां नई, और इतना सारा जुटाने के बाद यज्ञ हो जाए खंडित यज्ञ के गोप्ता के अभाव में, तो फिर सारी चीजें व्यर्थ। तो ऐसे हमें ये मनुष्य का जो जीवन मिला है तो ये एक नया यज्ञ प्रारंभ हुआ है, नई यज्ञशाला है। यज्ञशाला हमारा शरीर ही है, इसमें यज्ञ करने वाली जो इंद्रियां हैं या ये पुरोहित हैं जो, ये नए हैं, नई इंद्रियां, नए गोलक मिले ना इस शरीर में। यजमान वही है, और ये सब सामग्री मिलने के बाद जीवन यज्ञ इतनी मुश्किल से मिला, शुरू भी हुआ, और फिर ये खंडित हो जाए हमारा। छोटी सोच, इधर उधर भटकते हुए, और आदमी को ये पता ही नहीं है कि मेरे को कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है यदि मैं सजग रहूं और उन शक्तियों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर लूं, तो मुझे किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं करोड़ों लोगों को देख सकता हूं। ऐसी हर मनुष्य के अंदर पात्रता है। तो ऐसा यदि नहीं करें तो मनुष्य शरीर मिलना बेकार, यज्ञ का प्रारंभ होना बेकार। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, यज्ञ के गोप्ता के रूप में किसी बहुत बलवान, बहुत समझदार, बहुत संयमी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ये तो हो गई बाहर के यज्ञ की बात, और अंदर का जो यज्ञ का गोप्ता है वो है हमारा मन। तो हमारे मन को हमें पुरुषार्थी बनाना होता है, जागरूक बनाना होता है, सक्रिय बनाना होता है, पवित्र बनाना होता है। जितना जितना मन में ये क्वालिटी आती जाएंगी तो वो निम्न मन से उच्चतर मन बन जाएगा, उच्चतर से उच्चतम बन जाएगा। तो ये मन की भी 7 भूमियां बताई हैं, तो एक एक स्टेप करके उस मन को उत्कृष्टतम बनाना चाहिए, और जो उत्कृष्टतम मन है उसी का नाम विवेक है। तो विवेक में जो 24 घंटे जो व्यक्ति जिएगा वो परम आनंद में जिएगा विवेक होने के बाद। तो हम सब की पहुंच के अंदर हैं ये चीजें, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम उसका सदुपयोग करना जानते नहीं हैं, और उसका सदुपयोग करना प्रारंभ भी करते नहीं हैं। हमें लगता है ऐसे ही सुनते सुनते, ऐसे पुस्तकें पढ़ते पढ़ते, ऐसे ही ध्यान में बैठते बैठते, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, रोजाना एक एक घंटा बैठेंगे तो 1000 साल में भी नहीं होगा। एक एक घंटा क्या चाहिए, 2-2 घंटे बैठ लो। जब तक मन सजग नहीं होगा, एक एक विचार के प्रति, एक एक भाव के प्रति, एक एक कर्म के प्रति मन सजग नहीं होगा,
तो आपको बहुत सारी स्थूल उपलब्धियां हो जाएंगी, लेकिन वो उपलब्धियां होकर के भी कुएं में डालने जैसे हो जाएगा। लास्ट में जाते समय जो एक लंबी यात्रा पे जाएंगे, सभी को ही जाना ही है ना मृत्यु के बाद, तो उस समय हाथ में कोई पाथेय नहीं होगा, कोई कलेवा नहीं होगा, कोई भोजन नहीं होगा, कोई नाश्ता हाथ में नहीं होगा इतनी लंबी यात्रा पे। जैसे लंबी यात्रा पे जाते हैं, अभी आप गए लंबी यात्रा पे, तो साथ में क्या लेके गए? कलेवा लेके गए, बिस्किट, नमकीन, जूस, लस्सी, सेब, और ये तो 2.5 घंटे का ही था, कोई बहुत लंबी यात्रा भी नहीं थी। उससे लंबी पे जाना हो तो फिर खाना भी लेके जाते हैं पैक करके। तो लंबी यात्रा पे जाना और पास में है नहीं कुछ भी, और रास्ते में कोई परिचित नहीं है। अभी तो रास्ते में एक आश्रम परिचित बता दिया था आपको कि वहाँ 10 मिनट रुक लेना, हो सकता है वहाँ मांग लें तो दे भी दें वो। पर मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, कौन सी यात्रा पे जाएगा? कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई परिचित नहीं। लंबी यात्रा, कलेवा यदि पास में नहीं है तो क्या हालत होगी उस आत्मा की? और उस यात्रा पे कभी भी जाना पड़ सकता है, किसी भी क्षण, कोई भी पल, जब भगवान चाहे उस यात्रा का प्रारंभ हो सकता है। और बिल्कुल ये सुनिश्चित अटल सत्य है जो पैदा हुआ है, कितना मर्जी आप व्यायाम कर लें, कितना भी प्राणायाम कर लें, कितनी भी दुनिया भर की औषधियां खोज लें, आप अमृतवल्ली खोज लें, संजीवनी वटी खोज लें, लेकिन डेथ रेट हमेशा 100% ही रहेगा, 99 नहीं होगा कभी भी। सब कुछ होते हुए भी जो भी पैदा हुआ है उसको मरना सुनिश्चित है 100%। आज तक एक भी ऐसा अपवाद नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति ना मरा हो, जो भी पैदा हुआ उनमें से एक भी नहीं बचा, महान से महान योगी, सभी को मरना अटल सत्य है ये। तो उसके लिए तैयारी करना, उस यात्रा के लिए, ये जीवन को यज्ञ में बनाने से ही हो सकती है। तो फिर व्यक्ति बड़ी पूंजी साथ लेके जाता है, बड़ा प्रसन्न होके जाता है कि जो साधन मिला था भरपूर सदुपयोग किया उसका हमने, शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, वाणी का, समय का, समय भी तो बहुत बड़ी संपदा है, उसका हमने भरपूर प्रयोग किया और आज हम बड़े प्रसन्न होकर इस संसार से जा रहे हैं। तो ऐसा यज्ञ हम सब के जीवन में चल रहा है और हमें अपने मन को ऐसा ही गोप्ता बनाना चाहिए जैसे कि महाराजा जनक ने कुशध्वज को अपना यज्ञ का गोप्ता के रूप में चुना। तो अब आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का पीछे के पाठ से? चलिए आगे चलते हैं। तम हम द्रष्टुम इच्छामि यज्ञ गोप्ता से मे मतः प्रीतिम सोपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगतः केचिद् व्यग्रा जनकस्तान् समादिशत् शास्नात् तु नरेन्द्रस्य प्रययौ शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुम् इन्द्राज्ञया तथा संकाश्यान्ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं नवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितम् तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम् राजार्हं परमं दिव्यं आसनं सोध्वरोहतः उपविष्टौ उभौ तौ तु भ्रातरौ अमितद्युति। तो राजा जनक ने कहा, तम अहम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा जो मेरा भाई है, जो महातेजस्वी है, वीर्यवान है, अति धार्मिक है, ऐसे अपने भाई कुशध्वज को मैं देखना चाहता हूँ, उसको आप बुला लाएं
यज्ञ गोप्ता समे मतः, मेरा ऐसा मानना है कि वो यज्ञ के गोप्ता में बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही व्यक्ति है वो। प्रीतिम सोपि महातेजा, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी प्रीति है, वो भी मुझसे बहुत प्रीति करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्रीति करता हूँ। सोपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह, ये जो अनुष्ठान होने जा रहा है एक बहुत बड़ा यज्ञ, तो इसमें वो भी मेरे साथ इसका दृष्टा बनेगा, इसका भोक्ता बनेगा, इसका आनंद लेने वाला बनेगा। ऐसी जो दिव्य दो महान शक्तियाँ मिल रही हैं, श्री राम भी एक बहुत बड़ी दिव्य महान शक्ति है, माता सीता भी एक बहुत बड़ी दिव्य और महान शक्ति है, वो दो शक्तियाँ एक साथ मिलने जा रही हैं, तो ये इस धरती की बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे संबंध कभी कभी बनते हैं, कभी कभी ऐसे गुरु शिष्य मिल जाते हैं, पृथ्वी धन्य हो जाती है, जैसे कि अर्जुन और कृष्ण मिल गए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिल गए, जैसे कि स्वामी दयानंद और गिरजानंद जी मिल गई। तो ऐसा जो मिलन होता है दो दिव्य आत्माओं का, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की घड़ी होती है। एक ऐसी दिव्यता जब धरती के ऊपर आती है तो फिर बहुत सारे लोगों का, जैसे बारिश आती है तो सब कूड़ा करकट बहा ले जाती है, तो उस समय में जो आत्माएं होते हैं वो भी अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत पुण्यशील होते हैं। पतंजलि योगपीठ में श्रद्धे स्वामी जी महाराज का और पूज्य आचार्य जी का मिलना एक दिव्य संबंध है। ये तो ये ऐसा संबंध है कि लाखों करोड़ों लोगों के दुखों को हरने वाला है, उनको एक प्रेरणा देने वाला है। तो ऐसा ही संबंध यहाँ जुड़ने जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी इसका भोक्ता बने मेरे साथ, जैसे मैं इसका भोक्ता, इसका दृष्टा, इसका साक्षी बन रहा हूँ, ऐसे ही मेरा भाई भी बने। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आकर के सब यम नियमों का पालन करता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, विद्या अध्ययन करता है और सब प्रकार से अपनी उन्नति करता है, तो उसको निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। और जब उसको आनंद मिलता है तो उसका कोई परिचित है, उसका कोई भाई बहन है, तो वो कहता है उसको कि तुम भी यहाँ आ जाओ पतंजलि में। वो बुलाना चाहता है कि जैसे मैं यहाँ पर इसका आनंद ले रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी मिलेगा। तो ऐसे इन्होंने अपने भाई को कहा कि जैसे मैं इसका साक्षी बन रहा हूँ वैसे ही मेरा भाई भी बने, तो इसलिए आप उसको बुला लाएं। एवं उक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगता केचित् व्यग्रा जनकः स्थान समादिशत्। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो शतानंदस्य सन्निधौ, शतानंद जी की सन्निधि में जो भी लोग थे, केचित् व्यग्राः आगता, कुछ जो व्यग्र स्वभाव के उनकी सन्निधि में रहने वाले सेवक थे वो आ गए। एक होता है उग्र, एक होता है व्यग्र, तो दोनों में अंतर होता है। उग्रता तो नेगेटिव शक्ति का प्रतिनिधित्व है और व्यग्रता होती है किसी के दुख पीड़ा को देख करके उसको दूर करने की जो भावना, उसको व्यग्रता कहते हैं। जैसे अपने किसी बच्चे को रोता हुआ देख करके कोई माँ व्यग्र हो जाती है दूध पिलाने के लिए, उसको कहते हैं व्यग्रता। जैसे दीन दुखियों की समस्याओं को देख करके कोई संत हृदय व्यग्र हो जाता है उनके दुख मिटाने के लिए, तो वो व्यग्र तो होते हैं और वो काम करने में बहुत निपुण होते हैं, बहुत शक्ति संपन्न होते हैं। तो व्यग्रता एक पॉजिटिव शक्ति है, उग्रता एक नेगेटिव शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर कहा केचित व्यग्रा आगता, जो शतानंद जी की सन्निधि में रहने वाले थे, मतलब बहुत तेज गति से काम करने वाले और बड़े आज्ञाकारी विनम्र सेवक, ऐसे कुछ व्यक्ति आगता वहां पर आ गए इनके आदेश से। जनकः तान समादिशत, और राजा जनक ने उनको वहां जाने का आदेश दिया अपने भाई को लाने के लिए।
शासनात् पुनरिन्द्रस्य प्रययौ शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुम् इन्द्राज्ञया यथा। नरेंद्रस्य शासनात् तु, उस राजा जनक के आदेश से, शासन से, अनुशासन से शीघ्रवाजिभिः प्रययुः, वो जो सेवक थे, व्यग्र सेवक थे, वो शीघ्रवाजिभिः तीव्रगामी घोड़ों के द्वारा, वाजी मतलब घोड़े और शीघ्रवाजी मतलब तेज चलने वाले, तो जो बहुत तेज चलने वाले घोड़े थे वो जिस रथ में जुते हुए थे, ऐसे रथ को लेकर के और राजा के आदेश से वो जो व्यग्र जो सेवक थे वो प्रययुः, वो चले गए। समाने तुम नरव्याघ्रम, नरसिंह बड़े पराक्रमी व्यक्ति, उस कुशध्वज को समाने तुम लाने के लिए, और ऐसे चले गए विष्णुम इंद्राज्ञया यथा, जैसे इंद्र की आज्ञा से कोई विष्णु को लेने के लिए चला गया हो। तो यहाँ राजा जनक को इंद्र कह रहे हैं और उनको विष्णु कह रहे हैं। सांकाश्याम ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजम् नवेदयम यथावृत्तम जनकस्य च चिंतितम्। और ऐसे शीघ्रगामी घोड़ों के रथ के द्वारा वो वहाँ पर पहुँच गई सांकाश्या नगरी में। तो सांकाश्या ते समागम्य, वहाँ पहुँच कर उन्होंने कुशध्वजम ददृशुः, उन्होंने कुशध्वज को देखा, उनके दर्शन किए कुशध्वज के। और यथावृत्तम, जनकस्य यथावृत्तम चिंतितम च निवेदयन, और जैसा राजा जनक ने उनको बताया था सारा वृत्तांत, और जो राजा जनक का चिंतितम जो विचार था वो सब उन्होंने उनको निवेदयन, निवेदित कर दिया।